हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि सूरन की सब्ज़ी किस तरीके से बनाएं। देखिए, हमने सूरन की सब्ज़ी कितनी अच्छी बनाई है। इसी तरीके का वीडियो मैं आज लेके आई हूँ। आज आप आई होप आपको पसंद आएगा। चलिए दिखाते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने प्याज ले लिया था, 3-4 प्याज ली थी, और ये टमाटर मैंने फ्रिज से निकाला है तो इसलिए गीला गीला सा लग रहा है। और ये तड़के के लिए मैंने लौंग और दालचीनी का टुकड़ा और छोटी इलायची, साबुत जीरे हैं और लहसुन। मिर्च तो मैंने हरा ही लिया है, क्योंकि हरा ही मिर्च हमारे घर में सब लोग खाते हैं। लाल मिर्च ज़्यादातर नहीं कहीं पड़ता है, कभी कभी ही कहीं हो जाता होगा, लेकिन लाल मिर्च हमारे घर में नहीं पड़ता। और देखिए, हमने सूरन लिया है। अब आपको इसी तरह तरीके से इसको पहले एक बार धुल लेना है। धुलने के बाद इसमें जो मिट्टी रहती है वो निकल जाएगी। फिर उसके बाद इस तरीके से चाकू है हो या फिर कोई भी किसी चीज़ से आप इस तरीके से काट सकते हैं। अच्छी तरीके से पूरा इसे कट करके निकाल लें। इसको निकालने के बाद फिर मैं आपको काट के दिखाती हूँ। कि मैंने छोटा छोटा पीसेस पनीर की तरह बिल्कुल काट लिए। ये सब्ज़ी ही बिल्कुल पनीर या फिर मटन सेम उसी की तरह अगर आप बनाएं तो वैसी ही सब्ज़ी बनती है। अब चलिए हम कढ़ाई की तरफ चलते हैं। इसमें तेल ऐड कर दिए। सामान जो मैंने लिया था उसे इसमें डाल दूंगी। नहीं, एक्चुअली क्या है, ये जो सूरन है, सूरन को हमें पनीर की तरह बिल्कुल तलना है। इसको पनीर की तरह बिल्कुल तलना है। तलने के बाद हम अगला प्रोसेस शुरू करेंगे। लेकिन देखिए, पनीर की तरह अगर आप तल लेंगे तो ये बिल्कुल भी टूटता उतना नहीं है और अच्छी तरीके से पक के रेडी हो जाता है। अब ये तल के पूरा अच्छी तरीके से तैयार होने वाला है। देखिए, हो गया है। अब हम इसे एक उसी प्लेट में निकाल लेंगे। सारा इसी तरीके से निकाल लेंगे। निकालने के बाद ही हम बनाने का प्रोसेस शुरू करेंगे। चलिए दोस्तों, देखिए मैंने सारा तल के निकाल लिया है। कितना अच्छा इसका कलर आ गया है। और अब हम तेल तो वैसे ही गरम हो गया है, गरम है। अब इसमें हम तड़के की सामान को ऐड करने वाले हैं। तड़के की सामान डालने के बाद आप तेल से थोड़ा सा दूर ही रहिएगा, क्योंकि ये चटकता बहुत तेज है और कोई भी जल सकता है। अभी देखिए इसमें कितना अलग अलग से प्याज भी तड़के के लिए थोड़ा सा डाल दी, मिर्ची भी डाल दी। अब इसके बाद हम प्याज को ऐड कर देंगे। प्याज को ऐड करने के बाद बिल्कुल मटन की प्याज जिस तरीके से भुनी जाती है ना, उसी तरीके से हमें इसे अच्छी तरीके से भून के गला लेना है। गलाने के बाद सेम ब्राउन कलर का हो जाए, और इसे गलने के लिए हमें हल्का सा नमक ऐड कर, हल्का सा क्या, जितना आपको बनाना है उतना ही नमक आप इसी समय ऐड कर दें तो और अच्छा है। और इसे 2 मिनट के लिए ढक दें। ढकने के बाद फिर हम क्या करेंगे, ये जो हमने टमाटर अलग से लिया काट लिया है, इसको और मिर्च लहसुन की कलियां जो ली थी हमने, ये सारे मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। जब तक प्याज का कलर आ जाए तब तक हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। देखिए, हमने ग्राइंड करके तैयार कर लिया है। अब हम प्याज का कलर भी हमारा आने वाला है। अब हम इसमें इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसे हम तब तक भूनेंगे जब तक इसका कलर, मतलब तेल और मसाले और ये सारे चीज़ें अलग अलग ना हो जाएं, तब तक हम इसको इसी तरीके से भूनते रहेंगे। देखिए, अब हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे, थोड़ा सा धनिया पाउडर है, और इसमें थोड़ा सा गरम मसाला 1 चम्मच, क्योंकि ज़्यादा हमारी सब्ज़ी है नहीं इसलिए हमें थोड़ा सा ही मसाला ऐड करना है। ज़्यादा मसाले ऐड करने से क्या है कि सब्ज़ी का स्वाद ही अलग टाइप का हो जाता है। इसलिए अब इसमें हम पानी जितना हमें चाहिए उतना हम उसमें पानी ऐड कर देंगे।
ताकि पूरा अच्छी तरीके से सूरन जो है पक के रेडी हो जाए। अब इसमें हम सूरन को भी ऐड कर देंगे। ये देखिए हमारा सूरन भी ऐड हो गया। अब हमारी सब्जी चलिए 5 मिनट बाद आपको मैं दिखाती हूँ अपना सब्जी हमारी बन के रेडी हो गई है। देखिए हमारी सब्जी बिल्कुल भी कैसी बनी है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। कितनी अच्छी सब्जी हमारी बन के रेडी हो गई है। और देखिए हमने इसे थोड़ा सा सजाने के लिए हमने क्या किया कि दूध की मलाई रखी थी उसको हमने ऐसे हल्का हल्का ऊपर से गिरा दिया है। इससे क्या होता है कि इसका स्वाद और भी अच्छा हो जाता है। चलिए दोस्तों, आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद